प्रिय दर्शकों, आप सभी का पाल मिस्ट्री ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि महेंद्र योग, अगर आपके हाथ में यह योग बनता है, आप एक राजा के समान जीवन जीते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और इसके पहले, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ये विषय अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें। आइए अपने हाथ की तीन मुख्य रेखाएं देखते हैं। सबसे पहले हमारी ये जीवन रेखा। जीवन रेखा हमारे जीने के स्तर के बारे में बताती है। हमारे जीवन की सारी घटना क्रम हमारी जीवन रेखा ही बताती है। इसी प्रकार से निम्न मंगल से चलकर ऊर्ध्व मंगल की तरफ जाने वाली रेखा को हम मस्तिष्क रेखा कहते हैं, हम विचारों की रेखा कहते हैं। बुध पर्वत से चलकर गुरु की पर्वत की तरफ जाने वाली रेखा को हम हृदय रेखा कहते हैं, जिसको कि प्रेम प्रसंग की रेखा कहते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि महेंद्र योग इतना प्रबल क्यों है, कौन सी वो रेखा है जो आपको राजा के समान जीवन जीने के लिए प्रेरणादायक होती है। और ये निम्न हमारा जो ये मणिबंध है, मणिबंध क्षेत्र से एक रेखा चलकर शनि के पर्वत पर जाने वाली रेखा को हम इसको भाग रेखा कहते हैं, हम इसको सफलता की रेखा कहते हैं। हम किसी कार्य को करते हैं, चाहे हमारा नौकरी हो चाहे हमारा व्यवसाय हो, अगर आपके हाथ में ये सफलता रेखा या भाग रेखा प्रबल है तो आपके जीवन काल में सारे आपके मनोरथ, सारे आपके काम जो भी करने जा रहे हैं, वो सारे मनोकामनाओं की इच्छा पूर्ति करती है, जिसको कि हम सफलता की रेखा बोलते हैं। जैसे इंसान अपनी एक ऊंचाइयों को पाता है, एक लक्ष्य को पाता है, एक सफलता उसके कदम चूमती है, तो वो राज है हमारी सफलता रेखा, वो राज है हमारी भाग रेखा। और इसी के साथ एक रेखा मणिबंध से चलकर सूर्य के पर्वत की तरफ पहुंचने वाली रेखा को हम सूर्य रेखा कहते हैं, जो कि हमारे मान को, हमारे सम्मान को, हमारी प्रतिष्ठा को उजागर करती है, हमें एक नया निर्देश देती है, एक नया उद्देश्य देती है। जीवन में आपका नाम तभी होगा जब आपके हाथ में यश रेखा है, आपके हाथ में सूर्य रेखा है। ये आपके मान को, सम्मान को, आपके सारी इन चीजों को यश में फैला देती है और आपका नाम चमका देती है। और इसी प्रकार से ये चंद्रमा का क्षेत्र है, इसको हम चंद्रमा का पर्वत बोलते हैं। चंद्रमा का पर्वत है, चंद्रमा का पर्वत जिसको कि हम मन की गहराइयों को लेते हैं। हमारा मन कैसे है, एक मिनट में हमारा मन खुश होता है और एक मिनट में हमारा मन दुख में कन्वर्ट हो जाता है, दुख की घड़ी में चला जाता है, तो हमारा मन ही बताता है, हमारी चंद्रमा का पर्वत बताता है कि आपके अंदर सोच कितनी अच्छी है, आपके अंदर समझ कितनी अच्छी है। मन की गहराइयों में जाने वाला हर एक इंसान अच्छाइयों को ढूंढता है, तो वो हमारी मून की पर्वत बताते हैं। और मून के पर्वत पर एक स्वास्तिक का चिन्ह बना हो, एक स्वास्तिक का चिन्ह बना हो, ये स्वास्तिक का चिन्ह, स्वास्तिक का चिन्ह इस कमी को और बढ़ा रहा है, इसके गुण को और बढ़ा रहा है, मतलब इसकी पावर को और ज्यादा उत्तेजित कर रहा है, इसके फल को ज्यादा दिखा रहा है, आपके मन की सारी इच्छा को जग जाहिर करता है, आपके मन को धार्मिकता की तरफ जोड़ देता है, आपके मन अच्छे कार्यों की तरफ जोड़ देता है। और इसी प्रकार से ये शुक्र का क्षेत्र है, शुक्र का पर्वत है, शुक्र का पर्वत
जैसे कि हम जानते हैं शुक्र का पर्वत हमारी कलाओं को बताता है। जीवन काल में खाने से लेके जो आराम की जितनी भी हमारे जीवन काल में वस्तुएं आती है, जो सुखों का अनुभव देती हैं, जो सुख का आनंद लेती हैं, हमारा ये शुक्र का पर्वत बताता है। हम जो लग्जरियस लाइफ जीते हैं, सुखों का अनुभव करते हैं, वो हमारा शुक्र का पर्वत बताता है। अगर यही शुक्र का पर्वत आपके हाथ में दबा है तो आपको वो सारी सुखों की चीजें नहीं मिल पाती हैं। और यही शुक्र का पर्वत समान रूप से उठा है और उसके ऊपर एक स्वास्तिक का चिन्ह बना है, ये आपको राजा के समान जिंदगी जीने के लिए देता है। ये यहां पर स्वास्तिक का चिन्ह। और ऐसे लोग अपने जीवन काल में अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं। तो दोस्तों, ये रही आज की हमारी वीडियो। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। और आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।